एसडीएम निशा बांगरे ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जेल से छूटने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में मां के राज में भांजियां सुरक्षित नहीं है। उनके साथ पदयात्रा के दौरान बर्बरता की गई। सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा सरेआम उनके कपड़े फाड़कर चीरहरण किया गया। इससे यह साबित होता है कि अगर शिवराज सरकार के राज्य में जो कोई भी संविधान बढ़ाने की बात करेगा उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। अब क्या आगे की रणनीति है, कैसा रहा? देखिए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमने 3 महीने तक आवेदन देकर के इंतजार किया कि सरकार इस्तीफा मंजूर करे, नहीं किया। हमने फिर ज्ञापन देके निवेदन किया, उसके बाद भी नहीं किया, तो मजबूरी में हमें शांतिप्रिय तरीके से आमला से चलकर सीएम हाउस तक मुझे अपनी पदयात्रा करके जानी थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी, जो अपने आप को मामा जी कहते हैं, उनसे यही सवाल पूछने कि मेरे साथ ये अन्याय क्यों कर रहे हैं अपनी इस भांजी के साथ। तो अब चूंकि वो मेरे आंखों से आंखें मिला के बता नहीं सकते, तो उन्होंने पुलिस को भिजवा के जो है वहाँ, जैसे हम भोपाल एंटर किए, अम्बेडकर चौक में रोकने का काम किया। और हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ रहे थे, तब हमें रोका और उसी समय जो है पुलिस बल को लगा करके हमारे साथ जितने लोग थे उनको भी पकड़ के जो है अपनी वैन में डालने का काम किया। और लास्ट में मुझे भी इस तरीके से खींचा कि कपड़े फट गए, बाबा साहब की जो फोटो मेरे हाथ में थी उसको तोड़ा गया। तो ये जो बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अन्याय और अत्याचार जो है मध्य प्रदेश की सरकार यहाँ महिलाओं के साथ कर रही है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो महिलाएँ अपनी आवाज़ उठाती हैं उनको दबाया जाए, ताकि कोई महिला अगर राजनीति में आना चाहती है या अपनी आवाज़ उठाना चाहती है तो उसकी अस्मिता के साथ इस तरीके से चौक चौराहे पर खिलवाड़ किया जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के सामने जिस तरीके से चीरहरण करने का काम पुलिस के द्वारा किया गया, आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं की क्या इज्जत है। और कोई भी महिला जो है ऐसे सामाजिक क्षेत्र में आने से इस तरह से डरेगी, अगर उसके कपड़े सरेआम ऐसे फाड़े जाएंगे और उसकी इज्जत को लूटा जाएगा। आगे की क्या रणनीति? हाईकोर्ट में कल हमारी हियरिंग है, उसमें जो आदेश होगा उसके हिसाब से फिर आगे निर्णय लिया जाएगा। और ये लड़ाई हमारी कोई त्यागपत्र और चुनाव लड़ने तक की नहीं है, ये संविधान के अधिकारों की लड़ाई है। जब एक पढ़ी लिखी महिला के साथ इस तरह का बर्ताव मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी और पुलिस कर सकते हैं, तो आप समझिए कि आम जनता का क्या हल होगा। तो आज हमारा लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और उसी के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग हिम्मत से इसकी लड़ाई लड़ेंगे आगे भी। चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी? चुनाव लड़ने का पूरा हमारा तैयारी है। त्यागपत्र अगर मंजूर होता है हाईकोर्ट से तो ठीक है, नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो है वो चुनाव आयोग को अगर निर्देश दें कि चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए, क्योंकि कोई क्राइम मैंने नहीं किया है, कोई भ्रष्टाचार गबन का आरोप मेरे ऊपर कभी लगा नहीं है, तो रोका नहीं जा सकता। लेकिन मंशा सिर्फ इतनी है कि जो सर्वधर्म और मानवतावादी विचारधारा हमारी है, शासन उसके साथ नहीं खड़ी है। उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा के लोग चाहिए जो कट्टरपंथी तरीके से जो है प्रदेश का और देश का माहौल खराब करें। हम सभी को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, लेकिन उद्देश्य फिलहाल तो है कि चुनाव लड़ें, आने वाला समय बताएगा। इतना समय है क्या आपके पास?